आइए संपत जी। आप सब लोगों का अभिवादन, आदरणीय मुनव्वर राणा साहब, डॉक्टर कुमार विश्वास और तमाम शायर लोग, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। रेड्डी साहब ने क्या बढ़िया सुनाया, जितना अच्छा कंटेंट था उतना अच्छा स्वर भी था। मैं गाता नहीं हूँ और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता, उसके बावजूद गा नहीं रहा हूँ। ऐसे दौर में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा, आप हम लोगों की सुन रहे हैं। सच बताऊं, कवि और शायर बड़े संकट में, कोई सुनता नहीं। मैं तो पिछले दिनों न्यूयॉर्क जा रहा था, हालांकि ये झूठ है, लेकिन मैंने मोदी जी से सीखा है कि आदमी झूठ भी बोले तो विजन बड़ा होना चाहिए। जिंदाबाद। इन्होंने संपत भाई, इन्होंने भी मोदी जी से सीखा है कि माल किसी का भी हो, किसी को भी टिका देना चाहिए। फ्लाइट में बराबर वाली सीट पर एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने टाइम पास के लिए पूछ लिया, जी क्या करते हो? मैंने कहा जी कवि हूं, और मैंने पलट के पूछा आप? बोले जी बहरा हूं मैं तो। कवि शायरों को सुनकर के आपको लग ही गया होगा कि अच्छे दिन चल रहे हैं। जियो वाले फ्री सिम बेच करके भी कमा रहे हैं और BSNL अपना खर्चा रॉन्ग नंबर से निकाल रहा है। अच्छा है, वाह 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 वाह, इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे। मैं तो घर की देहरी पे बैठा था तो एक सज्जन रोते पीटते आए, रात को शायद स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक चोर उनका घर साफ कर गया था। माथा पीटते झल्लाते हुए बोले, संपत सरल जी क्या यही थे वो अच्छे दिन? मैंने कहा कहने वालों ने ये थोड़ी कही थी कि अच्छे दिन सिर्फ साहूकारों के आएंगे, सरकार का एक लक्ष्य सबका साथ सबका विकास भी तो है। हाँ, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि 68 साल में पहली बार हमें एक बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मिले। आधी दुनिया का चक्कर काट के आ गए, अभी तक तो कोई इन्वेस्टर आया नहीं है। इससे अच्छा तो 2.5 साल में देश के व्यापारियों पर ही भरोसा करता तो देश की तकदीर बदल जाती। आधी दुनिया का चक्कर काट के आ गए, अभी कोई इन्वेस्टर आया नहीं है बड़ा। और वो हमारे शरद जोशी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हमें वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। मैंने तो खुद एक मोबाइल फोन फाइनेंस करा रखा है ताकि फाइनेंस करने वाली कंपनियों के फोन आ सके। फोन करने वाली अक्सर लड़की होती है, वह बोलती है सर हमारी कंपनी से लोन ले लो, कम इंटरेस्ट आ रहा है। मैं तो कहता हूं भाई तू तो बोलती रहे, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। जैसा होना चाहिए वैसा न होकर के जो नहीं होना चाहिए वह होता है तो व्यंग्य पैदा होता है। बहुत अच्छे। अभी बताया जैसे 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर हुए, गैर कानूनी घोषित नहीं हुए हैं, ऐसे समझिए जैसे 2 बुजुर्ग नोटों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। हाँ, अच्छी बात है, चोरी रुकनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है डाका भी रुकना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक लाइन में श्री श्री रविशंकर यमुना के उद्धार में लगे थे और विजय माल्या गंगा ने आ गया। भाई ने 17 बैंकों की हालत उन नाती हुई गोपियों जैसी कर दी जिनके कपड़े उठा के कृष्ण जी पेड़ पे चढ़ गए थे।
राजनीतिक दलों को मिलने वाला जो चंदा है वो आरटीआई के दायरे में लाओ, तब पता लगेगा कि सीना कितने इंच का है। विसंगतियों से व्यंग निकलता है। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी खुद की बेडशीट नौकर झाड़ते हैं। और वो लोगो देखा आपने, स्वच्छ भारत अभियान का गांधी जी का चश्मा, जिसके एक शीशे पर स्वच्छ लिखा है, दूसरे पर भारत, यानी जिधर स्वच्छ दिखता है उधर तो भारत नहीं है। आए हाय, वाह, जिंदाबाद भाई, वाह भाई वाह, आ कमाल कर दिया कमाल। और जिधर भारत दिखता है वो स्वच्छ नहीं है। हद तो तब हो गई जब डीडी किसान चैनल लॉन्च किया सरकार ने और उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अमिताभ बच्चन। तो किसी ने सवाल कर लिया कि अमिताभ बच्चन का खेती किसानी से क्या लेना देना। मैंने कहा भैया, सरकार का मानना है कि फसल में दाने भले ही न लगे, पौधे तो लंबे हों। वो पिछले साल जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आए थे हिंदुस्तान। तो मोदी जी ने शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन पर समझौता किया और अगले दिन शिंजो आबे को बनारस ले जाकर के 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे ने कहा, मोदी जी, जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे।